हाँ बोल दो बेटा। ठीक है माँ, जैसा आप चाहती हैं। थैंक यू माँ। आज हमारी बरसों की तमन्ना पूरी हो रही है, हमारे मोहन और दामिनी की शादी। मोहन के लिए दामिनी से बेहतर लड़की तो मिल ही नहीं सकती। इतनी पढ़ी लिखी, समझदार, घर में सबका ख्याल रखती है। बिल्कुल बांके बिहारी जी की बनाई हुई जोड़ी है ना राधा? हाँ छोटी काकी जी। दामिनी जी की किस्मत में मोहन जी बांके बिहारी जी नहीं तो लिखे। माँ मैं जानती हूँ आप ये जो कुछ भी कह रही है ना वो आप खुद नहीं मानती है। माँ आप झूठ बोल सकती है लेकिन आपकी आंखें नहीं। फिर आप ये सब कुछ क्यों कह रही है? हे प्रभु, चलो देर से ही सही, पर ये विधवा अपनी बिटिया को दुल्हन बनते हुए तो देख पाएगी? दो हफ्तों में हमारी बिटिया और मोहन की शादी है। अरे बुजुर्गों को लड्डू बांटो बिटिया और हमें भी खिलाओ। जी माँ। कितने मूर्ख हैं, जमीन पे रहते हुए चांद को छूने का सपना देख रहे थे। मोहन जी गलती हो गई हमसे, भगवान की भक्ति छोड़ उन्हें पाने का सपना देखने लगे। दिल तो टूटना ही था। कद्दू के दिमाग को तो ठिकाने लगा दिया मैंने। अब लिस्ट में दूसरी है राधा। बड़ा प्यार मर रहा है ना उसके अंदर मोहन के लिए। उसे भी उसकी औकात दिखाने का टाइम आ गया है मम्मा। और फिर बारी है उस भूतनी तुलसी की। उसका भी कुछ ना कुछ जरूर करना पड़ेगा। मोहन से मेरी शादी होते देख वो चुप नहीं बैठने वाली। हाँ पर इन सब में वो चुईया गुनगुन को मत भूलना,
उसे कैसे भूल सकती हूँ मम्मा? वो तो मेरे हिट लिस्ट में सबसे ऊपर है। नहीं होगी ये शादी। तुम्हें लगता है मैं ये शादी होने दूंगी? मैं ये शादी नहीं होने दूंगी। तुम रो रही हो? नहीं चीची। अच्छा, इसलिए नहीं रो रही क्योंकि तुम मोहन से प्यार करती हो? झूठ मत बोलो राधा, मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम मोहन से प्यार करती हो। और मोहन के लिए तुम्हारा ये प्यार तुम्हारी जुबान से तो नहीं लेकिन तुम्हारे आंखों में जरूर दिखता है। इतना बड़ा धोखा कैसे दे सकते हो तुम मुझे? क्या कुछ नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए? तुम्हें इस घर में इतने प्यार से रखा, एक बहन की तरह इतना सब कुछ किया तुम्हारे लिए और बदले में तुमने क्या किया? अरे मोहन ने कितना कुछ किया तुम्हारे लिए और तुम दिन भर उसके आस पास बस भटकती रही, फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा तुमसे क्योंकि मुझे भरोसा था कि तुम्हारे मन में कभी चोर नहीं हो सकता। लेकिन तुम सिर्फ चोर ही नहीं धोखेबाज भी निकली। नहीं दामिनी चिची। चुप, बिल्कुल चुप। एक्चुअली गलती मेरी है, मेरी ही गलती है कि मैंने तुम्हें कभी कुछ नहीं कहा, भगवान भगवान करके बस मोहन के आसपास भटकती रही और उसे अपने जाल में ऐसा फंसा लिया तुमने कि मोहन कभी तुम्हें गले लगा लेता तो कभी तुम्हें गोद में उठा लेता है। वो मोहन को भगवान बोल के भक्ति की आड़ में तुमने उसके साथ रासलीला रचाने की कोशिश की।